चुनावी सर्द के बीच एक बार फिर सियासी पारा बढ़ने वाला है, जहां कांग्रेस में मंत्रिमंडल विस्तार का मामला एक बार फिर ठंडा पड़ने से सियासी बेचैनी बढ़ गई है। तो वहीं उपचुनाव में हार से लगे बड़े झटके के बाद भाजपा में भी सिर्फ डबल खुलकर सामने आने लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक बार फिर सक्रिय होने के संकेत दे दिए हैं। तो वहीं राजे के नाम पर जंग छिड़ गई है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वसुंधरा राजे के करीबी अशोक परनामी ने कहा कि राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। हालांकि तुरंत परनामी ने अपनी बात संभालते हुए कहा कि पार्टी का संसदीय बोर्ड सीएम तय करेगा। तो वहीं उपचुनाव में मिली करारी हार के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि स्टार प्रचारक नाम के रह गए हैं। पिछले चुनाव में वसुंधरा राजे कहां थी, कमी रही उसको सुधारने का प्रयत्न करेंगे और आगे की लड़ाई के लिए अपने आप को और क्षेत्र को चुस्त दुरुस्त करें। स्टार प्रचारक होने के बावजूद वसुंधरा राजे, देखो स्टार प्रचारक एक ऐसे ही नाम चल पड़ा है। मैं सोचता हूँ इससे पहले वाले 3 चुनाव हुए उसमें वसुंधरा जी कहां गई थी। नहीं तो चुनाव के नतीजों के नतीजों से कोई दो बार उनके नेतृत्व में आपने सरकार बनाई, मैं कह रहा हूँ कैंडिडेट के चयन में कमी रहने के कारण से कैंडिडेट को जनता ने स्वीकार नहीं किया, ये वोट के आधार पे निर्णय पक्का है। नहीं उपचुनाव तो सोचता हूँ कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर कौन उपचुनाव में कौन कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, वो एक अलग बात है। सर कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता के विकास के लिए सोचती है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नारे को लेकर के चलती है, इसलिए आम जन भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना पसंद करता है। सर आगामी जो विधानसभा चुनाव है वो किसके नगर में लड़ जाएंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश में बहुत मजबूत पार्टी है। वो पिछले 2 बार से वसुंधरा राजे जी यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कुल मिलाकर भाजपा में सियासी जंग तेज होती जा रही है। इसी बीच वसुंधरा राजे मेवाड़ यात्रा पर निकल रही हैं। राजे की यात्रा से पहले पूरी बागडोर 2 पूर्व मंत्रियों ने संभाल ली है। पूर्व मंत्री यूनुस खान और राजपाल सिंह शेखावत ने रविवार को यहां पहुंचकर 4 भुजा नाथ के दर्शन किए। राजे की मेवाड़ यात्रा से भाजपा में सियासी भूचाल आना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट द फैक्ट इंडिया।